निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर परिवार के साथ जाएं। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं बालासोर में, उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया। और खड़ी ट्रेन में जो भी जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है। और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं, आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आँख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए, अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी इनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं, वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना।